गुड मॉर्निंग सर, 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 गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, चलिए लास्ट टाइम हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे, एक दो क्वेश्चन और करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। ये देखिए दो रिंग है, दोनों का जो प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों का मास m है और रेडियस क्या है आपका कैपिटल R। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। जल्दी कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है।
टू पे वॉक करा रखे इधर घूम के पीछे अरे ये जो नहीं बैठा हुआ देखो ना नजर नहीं आ रहा साइड से देख सकती तुम नजर नहीं आओगे अर्जुन हुआ सर एक सर एक कॉन्सेप्ट दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया याद नहीं आ रहा मेरे को तो नहीं हो पा रहा अभी देखिए इस वाले रिंग की वजह से इसको मान लीजिए ये फर्स्ट रिंग है ये ए रिंग मान लीजिए इसको बी रिंग मान लीजिए बी वाले रिंग में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में और इस एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर है ना रिंग के लिए सेंटर से कितना होता है आपका mr स्क्वायर आगे मैं b के कारण इस पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं ठीक है डायमीटर मान सकता हूं ऐसा एक डायमीटर है ये डायमीटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एम आर स्क्वायर बाय टू लास्ट टाइम किया था ना डायमीटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यस सर अब मेरे को सेकंड रिंग के लिए डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया मेरे को क्या करना है इस सी पोजीशन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सेकंड रिंग के कारण तो मैं क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूँ ये जो डायमीटर है ना इनटू द पेपर है डायमीटर ठीक तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो सेकंड रिंग के कारण ड्यू टू सेकंड रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर और डी की वैल्यू क्या है सर 3R/4 3R सिंपल 3R/4 क्यों होगा अच्छा हाँ सॉरी 3R तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी जो भी हो रही है इसको भी वैसे रहने दीजिए MR स्क्वायर हाँ अब फर्स्ट वाली रिंग के कारण आइए ड्यू टू फर्स्ट रिंग ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं फर्स्ट रिंग के कारण से 2mr स्क्वायर होता है आई थिंक इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना होता है mr स्क्वायर तो यहां पे मैं डायरेक्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकता हूं ना नहीं आया सुनने यस सर फर्स्ट वाले रिंग के कारण सेंटर पे कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर अभी को उसको क्या कर लूं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आर देखिए तो सिंपल पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर मतलब सिंपल एम आर स्क्वायर तो हो जाएगा 2mr स्क्वायर नेट कितना हो जाएगा आई नेट दोनों को ऐड कर दीजिए आई नेट हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 9 एम आर स्क्वायर प्लस 2 एम आर स्क्वायर बस ऐड करके निकाल लीजिए जो भी आ रहा है क्लियर है सभी को ड्यू टू फर्स्ट रिंग में ये दूसरा एम आर स्क्वायर किधर से आया सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको पता है मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर है ना तो सेंटर मास के अबाउट आपको पता है एम आर स्क्वायर होता है और एम डी स्क्वायर मतलब कि डी कितनी है आर की वैल्यू है क्लियर है यस सर चलिए ठीक है
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रॉड है जिसकी लेंथ आपकी एल है, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मेरे से इसमें पूछा गया है इस पॉइंट के अबाउट, और ये आपको दिया हुआ है एल बाई सिक्स, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग पिक कैसे करेंगे, मेरे को ये पता है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो तो बिल्कुल बीचों बीच होगा ना, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से आपने एक एक्सिस को पास कराया, तो अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो ICM विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12, याद है रॉड के लिए निकाला था अबाउट सेंटर। अब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको कितनी पता है, ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू माइनस एल बाई सिक्स, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एल बाई थ्री, यही आएगा ना। यस सर। तो मैं इधर क्या लगा सकता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई विल बी इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, लगा दीजिए, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एल बाई थ्री, क्लियर है। देखिए जल्दबाजी में आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि हम लोग ICM की जगह सिंपल I भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई, यही जनरल क्वेश्चन है, मेरा रॉड का ही क्वेश्चन है, ठीक है, और मैंने कहा कि एक रॉड है, सिर्फ जल्दबाजी में सिली मिस्टेक कर देते हैं, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I, ठीक है, मान लीजिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको I दिया हुआ है, और मेरे से पूछा गया फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, इसके अबाउट मेरे को निकालना है, और ये वैल्यू कुछ भी दे दिए एल बाई थ्री, तुम लोग जल्दबाजी में बस ये कहते, और ये डिस्टेंस भी दे दी, मान लीजिए ये डिस्टेंस है एल बाई टू, ठीक है, ये गिवन है आपको, किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको दिया हुआ है आई, और मेरे को कहा गया कि एंड से एल बाई थ्री डिस्टेंस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको लगता है कि अरे दोनों तो पैरेलल हैं, सिंपल लगा दो पैरेलल एक्सिस, तुरंत लगाते हैं I प्लस एम डी स्क्वायर, और आप यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है ना, तो हमेशा सबसे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, प्लस दोनों एक्सिस के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसी गलतियाँ जल्दबाजी में मत कीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन ईजी होते हैं, सिर्फ जल्दबाजी में गलतियाँ होती हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कैविटी के एक दो क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने सैटरडे को ही पढ़ाया था, और मेरे ख्याल से उस दिन कुछ ही स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, ये एक रॉड है एल लेंथ का, इसका भी मास m है, लेंथ l है, मास m है, लेंथ l है, इसको मैंने इस पॉइंट के अबाउट हिंज्ड कर दिया, तो मेरे से पूछा गया आई नेट, इस पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, चलिए जल्दी से कैसे करें।
सही आईनेट वाली एक्सिस इनटू द पेपर है. क्रॉस का मतलब इनटू. सर 7 एम स्क्वायर बाय 3 कैसे? सर मैंने पहले इस पे निकाला है 8 पे तो एमएल स्क्वायर बाय 3 आ रहा है. वो तो सेंट्रो मस्त हमें पता ही है. ठीक ठीक तो ऐसे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली इस वाली रोड की इन जी सही सेकंड वाले रोड की. हां एल रूट 2 हो जाएगी. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे मेजर किया, कहां से कैसे मेजर किया? सर पाइथागोरस लगा दी ना, ये दोनों में पता है ये भी एल है ये भी एल है तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले ली. मतलब कि ये कह रहे हैं मेरे हिसाब से ये. यस सर. अच्छा ठीक है. फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाल ली और हमें पता ही है तो ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ये वाला गलत है. गलत है सर. 5 ml स्क्वायर बाय 3 कैसे किया? सर जो पहली वाली रॉड है ऊपर वाली जो सीधी है हॉरिजॉन्टल की उसका कॉर्नर लिया, फिर कॉर्नर में ml स्क्वायर बाय 3 होता है. ठीक है. वहां से फिर ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर कर दिया क्योंकि md स्क्वायर लगा के. उसके बाद गलत है. अभी मैं बोल रहा था जो सिली मिस्टेक करते हैं वैसा मत कीजिएगा. और हरी तभी आपने वही किया, अर्जुन आपने भी वही किया. इन दोनों को अलग अलग करके देखिए. मैं इसको पहले वाले को फर्स्ट रॉड मान लेता हूँ. ये फर्स्ट रॉड है, सेकंड रॉड है. तो फर्स्ट रॉड की वजह से इस ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? फर्स्ट की वजह से ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3. ये तो सिंपल था एक रॉड के एंड पे. अब हम लोग आते हैं दूसरे वाली रॉड पे. अगर मैं दूसरे वाली रॉड पे देखूं तो मेरे को इन दोनों के बीच में अगर कोई थ्योरम लग सकती है तो वो लग सकती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना? और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब वैलिड है? जब ICM प्लस MD स्क्वायर हो. सेंटर ऑफ मास तो यहां से पास हो रहा है इसका, सेकंड डॉट का बीच में होगा ना सेंटर ऑफ मास तो सेकंड डॉट के लिए. तो अगर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है तो यहां से ये डिस्टेंस गिनी जाएगी ना. ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना मेरे को. ठीक है. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एल बाई टू का होल स्क्वायर. अब आया समझ में सबको? जल्दबाजी में गलती मत कीजिए. हमेशा सेंटर ऑफ मास है, दूसरी एक्सिस है, उन दोनों एक्सिस के बीच में लगाया जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है. तो ये डिस्टेंस आ गई आपके पास. तो मैं सेकेंड डॉट की वजह से अगर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? ICM, ICM क्या है? ML square by 12. By 12 plus M, और जो भी ये वैल्यू आ रही है L square plus L by 2 का whole square. आगे समझ में? तो I net कितना हो जाएगा? I1 plus I2. क्लियर है सभी को? Yes, sir. रिंग का, डिस्क का, हॉलोस्फीयर का कितना होता है सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हॉलोस्फीयर का 2/3 mr² सॉलिड 2/5 सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr². ठीक है. ये सब चीजें याद है ना? यस सर. तो चार चीजों को हमेशा याद रखिए, रिंग का, डिस्क का, हॉलो हॉलोस्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का. ठीक है. मैं कोई डेरिवेशन नहीं करवा रहा हूँ कि कैसे करना है. कैविटी प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या इस केस में? सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेम कॉन्सेप्ट ही है जो हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट लगाया था. मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, ये स्फीयर है. ये स्फीयर है और इसमें एक छोटा सा स्फीयर आपने रिमूव कर दिया.
ठीक है, ये आपने रिमूव किया हुआ है, रिमूव। तो आपसे पूछा गया, थोड़ा आसान कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हैं, फिगर को थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये सॉलिड स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है इसके अंदर, इसको आपने रिमूव कर दिया, और ये कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से पास हो रहा है। ये आपको आर गिवन है रेडियस, इसको आपने रिमूव कर दिया, तो आपको इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो बचा हुआ स्फीयर है उसके कारण। आगे समझ में? चलिए फटाफट सेम कॉन्सेप्ट लगाइएगा जो हम लोगों ने वहां पे किया था। दो स्फीयर में एक को प्लस एम लेंगे तो दूसरे को माइनस एम लेंगे, जिसको रिमूव करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है एज इट इज। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक ये बड़ा स्फीयर और उसमें से जो हमने छोटा सा स्फीयर आपने जो रिमूव किया था, इसको दो पार्ट में कर लिया हमने। अब अगर इसके कारण मैं सेंटर ऑफ मास यहाँ के अबाउट निकालूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम वन आर वन टू बाई फाइव एम वन आर वन स्क्वायर, ये होगा ना, टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है।
तो मैंने कहा कि जो बड़ा वाला स्फीयर है इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 m1 r1 square। वैल्यू आखिरी में पुट कर दीजिएगा जो भी वैल्यू है। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, इसको I2 मान लीजिए, 2/5 m2 r2 square। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसके सेंटर के अबाउट जो छोटा वाला स्फीयर है इसके अबाउट तो आपको I2 पता है, मेरे को किसके अबाउट निकालना है, इस वाले पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट मान लीजिए। छोटे वाले स्फीयर के कारण ए पॉइंट पे अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं कौन सी थ्योरम लगाऊंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि सेंटर के अबाउट आपको पता है 2/5 m r square और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2। ठीक है, तो छोटे वाले स्फीयर के कारण ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका I2 + m2 d square, मतलब कि r/2 का स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आई हर एक को? अब देखिए यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे, प्लस रो, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माइनस रो। बताया था ना जिसको रिमूव करना है उसको माइनस के साथ लेंगे। तो बस अगर m1 की वैल्यू मेरे को पुट करनी है तो m1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इनटू वॉल्यूम 4/3 πr³। अगर m2 की वैल्यू पुट करनी है तो क्या हो जाएगा, माइनस रो 4/3 πr³। m1 m2 की वैल्यू निकल गई है ना, और रेडियस पता ही आपको दोनों का, वैल्यू पुट कीजिए निकाल लीजिए, तो आई नेट कितना हो जाएगा, आई नेट विल बी इक्वल टू I1 + IA। ये है रिजल्टेंट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है, बड़े वाले स्फीयर के कारण आपने सेंटर के अबाउट निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और छोटे वाले स्फीयर के कारण ए पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, दोनों को ऐड कर दीजिए, खत्म होगी कहानी। ठीक है, बस याद रखिएगा चीज, छोटे वाले स्फीयर को हमें रिमूव करना है इसलिए वहां पे हम लोग माइनस रो लेंगे। क्लियर है, भावना नहीं आया सुन में, आ गया? यस सर, यस। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्क। अब हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है, सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बाद टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, रोटेशन एंड प्योर रोलिंग। सर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं? बोलिए बोलिए। सर हॉलो डिस्क के लिए कैसे निकालेंगे? हॉलो डिस्क के नाम की कोई चीज होती है क्या? नहीं मतलब सर जैसे एक डिस्क है उसको बीच में से हम कैविटी बना ले उसमें, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलेंगे। अच्छा ये सर ऐसा एक क्वेश्चन था मेरे ख्याल से आप ऐसा बोलना चाह रही हैं, ये है और एक बीच में से ये इतना पार्ट रिमूव कर दिया। यस सर, सेम सेम एज इट इज, सेम कांसेप्ट। ओके ठीक है ना, एक बड़े वाले डिस्क के कारण सेंटर के अबाउट m r² / 2 और एक छोटे वाले डिस्क के कारण m r² / 2, लेकिन छोटे वाले के लिए मास क्या होगा, नेगेटिव, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छोटे वाले के हम लोग माइनस सिग्मा लेंगे और बड़े वाले के लिए प्लस सिग्मा लेंगे, दोनों को ऐड करके निकाल दीजिए। डिस्कशन ऑन टॉर्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिस्कशन ऑन टॉर्क, अब देखिए अगर हम लोग लीनियर की बात करें, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे, किसी भी पार्टिकल को अगर लीनियर मोशन करना है तो लीनियर मोशन के लिए क्या एप्लीकेबल है, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल है, फोर्स। ठीक है, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा तभी बॉडी आपकी क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन या तो सिंपल लीनियर मोशन करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे को किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो रोटेट करवाना है, इसका मतलब हम लोग सिंपल टॉर्क का मतलब क्या समझते हैं, घुमाव इफेक्ट ऑफ द फोर्स। सिंपल, किसी बॉडी को अगर मेरे को रोटेट करवाना है तो फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा,
लेकिन फोर्स कितना टर्न करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। सिंपल मीनिंग ये है कि फोर्स के कारण कोई भी बॉडी कितना टर्न कर रही है, रोटेट कर रही है, उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं, ठीक। अब देखिए टॉर्क का अगर जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग देखें किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क अबाउट ए पॉइंट बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे तो वहां पे इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। टॉर्क को ऐसा पहले अच्छे से समझ लीजिए कि टॉर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ये मैंने कहा कि टॉर्क है, मान लीजिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये कोई पॉइंट है, एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया ए पॉइंट। इस पॉइंट पे मैंने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, ठीक है? ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये है आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर है? अब जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, वहां से एक लाइन लीजिए और वो कहाँ जाना चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ। मतलब कि जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उसको ओरिजिन मान लीजिए, सिंपल। जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है उसको ओरिजिन मान लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तो उसकी पोजिशन वैक्टर, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना, जो होगा पोजिशन वैक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पोजिशन वैक्टर ऐसे निकालते हैं, ठीक है? ओरिजिन से एक लाइन लेते हैं और उस लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं एरो के साथ। नहीं आया समझ में? ए पॉइंट को ओरिजिन मान लीजिए, पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, ठीक। तो ये क्या है आपका आर, ठीक है? अब मेरे को किस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। तो आर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए, चारों फिंगर्स को आर के डायरेक्शन में, ठीक है? क्रॉस एफ, क्रॉस एफ करूंगा तो थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ट इनटू द पेपर, ठीक है? तो अगर इस केस में अगर मेरे को निकालना हो कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा तो आप कहेंगे इनटू द पेपर। क्लियर है? आर का डायरेक्शन देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट चला जा रहा है ऊपर, या जा रहा है ना इस डायरेक्शन में, तो आर क्रॉस एफ कीजिए, आर क्रॉस एफ, तो थंब इनटू द पेपर। तो इनटू द पेपर किसका डायरेक्शन हो गया, टॉर्क का। क्लियर है? राइट हैंड कर्ल लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक। अब सिंपल, अगर हम लोग आर क्रॉस एफ, इसका अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, अभी तो हम लोग सिर्फ डायरेक्शन भी देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसको, अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं इसको, तो टॉर्क अबाउट ए विल बी इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एटा कैप, यही होता है ना, एटा कैप डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में है रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर यहाँ पे r क्रॉस f लिखना है तो r क्रॉस f रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में है, इंटू द पेपर। क्लियर है? r क्रॉस f आपका इंटू द पेपर है। अब देखिए r f साइन थीटा, इसको मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ, एक तो मैं लिख सकता हूँ इसको इस तरीके से, F into R sin theta, और ये कैसा लिख सकता हूं, R into F sin theta, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना दोनों में लिखने का तरीका, मैं को F sin theta एक साथ लिख रहा हूँ, सेकंड वाले में R sin theta एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक। लेकिन चीजें दोनों में चेंज हो जाती हैं। अब देखिए अगर मैं यहां पे पहला वाला केस लेता हूँ, F into R sin theta, अगर r sin theta के बारे में बात करूं तो देखिए एक ट्रायंगल बना रहा हूं, r को आपने एक्सटेंड किया तो r और f के बीच में एंगल है वो है थीटा, r को एक्सटेंड कर दिया तो r और f के बीच में एंगल आपका थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा,
r sin थीटा ये छोटे से वाले ट्रायंगल में देखिए जिसको मैंने हाइलाइटेड किया हुआ है, r sin थीटा का मतलब क्या हुआ? ये है ना, अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो r sin थीटा into f, r sin थीटा और f के बीच में क्या है, परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्री है ना। तो एक तरीका मेरे को टॉर्क का मिल गया कि टॉर्क अबाउट a विल बी इक्वल टू f into r परपेंडिकुलर। समझ में आया? चलिए, और जो हमने एक और लिखा हुआ था r into f sin theta, r into f sin theta। अब देखिए ये f है ये theta है, तो अगर मैं f cos theta के बारे में बात करूं तो ये होगा कॉम्पोनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। f का कॉम्पोनेंट theta के साइड में कितना हो जाएगा, f cos theta इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा f sin theta। f sin theta और r वेक्टर इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है ना। तो एक और तरीका मेरे को मिल गया टॉर्क लिखने का, टॉर्क इज इक्वल टू r into f परपेंडिकुलर। या तुम्हें सिंपल आर के डायरेक्शन, आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, टॉर्क मिल जाएगा। या तो फोर्स, ज्यादातर क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, ज्यादातर क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, इस पॉइंट पे आपने फोर्स अप्लाई किया और इस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ए पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये एक्सटेंड कर दिया आपने, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है ए पॉइंट के अबाउट, तो आर परपेंडिकुलर अर्थ का मतलब क्या हुआ, ये हुआ ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो 99% क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। जो भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिगर देखते ही पता चल जाएगी कि क्या है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर परपेंडिकुलर इंटू सिंपल एफ, क्योंकि अभी अभी एंगुलर मोमेंटम भी करना है और एंगुलर मोमेंटम में दो चार बार क्वेश्चन आए ऐसे ही फिगर में बना है, अभी याद आ जाएगा अभी हम लोग करेंगे तो, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट वहां पे, वहां पे सिंपल एम आर वी होता है, एम आर क्रॉस वी, क्लियर है यहां तक? मैं टॉर्क में धीरे धीरे चलूंगा क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने, इसे धीरे धीरे चलूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। यहां तक नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। सर आपने जो कैविटी वाली प्रॉब्लम बताई थी अभी, उसमें सर आपने वो कैसे लिया था सेंटर ऑफ मास से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, समझ नहीं आया वो वाला पैरेलल एक्सिस थ्योरम, छोटे वाले, छोटे वाले स्फीयर में पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटे वाले स्फीयर के लिए, 2/5 mr² और जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r/2 या r/4 जो भी है मेरे ख्याल से, हाँ r/2। तो यहाँ पे पहले एक्सिसरम लग जाएगा ना सर, जो बड़े वाले का स्पेयर है सर वहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों आपने निकाला है कंपेयर करके, कंपेयर करके क्यों निकालना है, छोटे वाले स्फीयर के लिए निकालिए ना, ये रहा छोटा सा स्फीयर, मैंने कहा कि इस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है सर, ठीक है ना,
कंपेयर मेरे कुछ मत करना है, सिंपल अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए. देखिए किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको टॉर्क निकालना है तो दो तरीके हैं, आर परपेंडिकुलर इनटू एफ या सिंपल एफ परपेंडिकुलर इनटू आर. ठीक, 99% केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसको एक्सटेंड कीजिए और जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 99% केस में. ठीक है, इसके हिसाब से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. लेकिन ये आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगी कि आर परपेंडिकुलर टू इनटू एफ लेना आसान है या एफ परपेंडिकुलर इनटू आर लेना आसान है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या चीज मेरे लिए आसान है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले रहे हैं मिक्सअप टाइप का. टॉर्क का डायरेक्शन निकालना आ गया ना, ए क्रॉस बी, सिंपल आर क्रॉस एफ. ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, आप लोग करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है. Find net torque about O.
सर मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन नहीं आ रही, कंफ्यूजन हो रहा है सर। -310 न्यूटन न्यूटन मीटर, न्यूटन का मतलब फोर्स होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है सर, ठीक है ठीक। देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, मैं पहले वाले पे आता हूँ इसके कारण, ठीक है, 10 न्यूटन के कारण। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये आर वेक्टर है, ये है ना, ये आर वेक्टर आपका, ये आर वेक्टर है। तो सबसे पहले देखिए आर क्रॉस एफ, इस केस में आर क्रॉस एफ किस डायरेक्शन में होगा, आउट ऑफ द पेपर आर क्रॉस एफ कीजिए, राइट हैंड कर्ल रूल लगाइए, आर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए और एफ की तरफ कर्ल कीजिए, थंब ऊपर चला जाएगा। यस सर। ठीक है मीनाक्षी आयासन में आर के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखिए, आर के डायरेक्शन में क्रॉस एफ ऊपर चला गया। ठीक है तो ये जो थंब है, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है आपको, टॉर्क का डायरेक्शन। एक बार फिर बता दो, आर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखी, ठीक है, आर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और क्रॉस एफ थंब ऊपर चला गया। ठीक है तो पहले वाले केस में इसको मैं टाउ वन मान रहा हूं, ये किस डायरेक्शन में आ गया, अपवर्ड, तो मैंने डॉट ले लिया, डॉट का मतलब अपवर्ड होता है। ठीक, इसकी वैल्यू हमारे पास दो तरीके थे, या तो आर परपेंडिकुलर इनटू एफ करें या तो एफ परपेंडिकुलर इनटू आर करें। ठीक है तो यहाँ पे देखिए मेरे को टेन का कॉम्पोनेंट निकालना मेरे लिए आसान है, टेन साइन 37, इसका मतलब टेन साइन 37 कितना हो जाएगा, 6 न्यूटन है ना। तो ये तो आर के परपेंडिकुलर आ गया, आर इस डायरेक्शन में था इसके परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 5 30, और इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। हम लोग सेकंड वाले के केस में आते हैं, टाउ टू, इसमें बताइए आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन भावना बताइए, सेकंड वाले में 10 न्यूटन, दूसरे वाले में सर इनवर्ड। मीनाक्षी कैसे इनवर्ड है, मैं भी थोड़ा सीखूं। अपवर्ड। आर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए और क्रॉस एफ कीजिए, थंब ऊपर चला गया ना, इनवर्ड कैसे आ गया आपका। चलिए अब इस वाले केस में देखिए, अगर मैं फोर्स को एक्सटेंड करूं तो ये निकालना मेरे लिए ज्यादा आसान है, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है फोर्स को आपने एक्सटेंड किया तो आर परपेंडिकुलर निकालना आपके लिए जितना ज्यादा आसान है, तो ये 10 cos 37 ये तो 8 मीटर हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर, तो टाउ टू कितना हो जाएगा, 10 × 8 80 न्यूटन मीटर, डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। थर्ड वाले केस में आ जाइए, थर्ड वाले केस में 20√2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 10 cos 45, ये हो जाएगा 10√2 है ना, इस फोर्स के परपेंडिकुलर में। तो यहाँ पे टाउ थ्री कितना हो जाएगा, 20√2 × 10√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 200 डायरेक्शन। अर्जुन डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, टॉर्क का डाउनवर्ड सर, अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड। आर वेक्टर ये है, आप कीजिए आर क्रॉस एफ, आ गया थंब ऊपर, आर इधर क्रॉस है, फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब ऊपर चला जाएगा। सर वापस बता दीजिए, आर के डायरेक्शन में, मैं करके तो दिखा रहा हूँ, आर के डायरेक्शन में, कॉपी आपके सामने है ना, आर के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को रखिए, रखिए अपने राइट हैंड के फिंगर्स को और फोर्स की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, मुट्ठी बंद कीजिए,
थंब कहाँ चला गया? ऊपर। क्लियर है? Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ हर एक टॉर्क क्या है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब टाउ नेट कितना हो जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, सिंपल एडिशन कर देना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 310 न्यूटन मीटर, और डायरेक्शन क्या रहेगा आउटवर्ड। अगर कोई भी डायरेक्शन इनवर्ड होता उसको मैं नेगेटिव ले लेता। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब डायरेक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आर क्रॉस एफ। एक बारी नीचे करना थोड़ा सा। हो गया। Find torque about O due to mg at any time t. आपको टॉर्क निकालना है अबाउट ओ ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी इंस्टेंट टी। क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिए प्लीज। टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू एमजी एट एनी इंस्टेंट टी। आपको पार्टिकल को ड्रॉप किया है आपने एच हाइट से, ओ पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी इंस्टेंट। सर एम जी एच स्क्वायर बाय टू। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रही है? किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे बॉडी पहुंच चुकी है, मैंने मान ली यहाँ पे पहुंच चुकी है, तो अगर इस वाले इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ पे होगी तो एम जी तो इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, ठीक है? यस सर। तो इसको आपने एक्सटेंड किया और ये जो पॉइंट था इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, एम जी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। और डायरेक्शन क्या है भावना, टॉर्क का डायरेक्शन क्या है? सर ये तो आ गया था, पर क्या क्या दोबारा बताऊं? पॉजिटिव सर, इनवर्ड। आर वेक्टर होगा ना, आर क्रॉस एफ कर लीजिए, आर को एक्सटेंड कीजिए, क्रॉस एफ कीजिए, आर क्रॉस एफ करेंगे थंब इनवर्ड चला जाएगा।
मैंने एक पार्टिकल को थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ थीटा विद स्पीड यू, तो मेरे से पूछा गया टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू ग्रेविटी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन इंक्रीज देन डिक्रीज, फोर्थ ऑप्शन डिक्रीज देन इंक्रीज, विच वन इज करेक्ट? इंक्रीज। क्यों? रेडियस तो बढ़ती जाएगा ना, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी। कौन सी डिस्टेंस? देन डिक्रीज। इंक्रीज एंड फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को याद रखिएगा कि मेरे को यहाँ पे पता है कि किसी भी इंस्टेंट पे mg तो नीचे ही लगेगा, ये होगा ना, mg अपने डायरेक्शन को थोड़ी ना चेंज करने वाला है किसी भी इंस्टेंट पे। अगर फर्स्ट वाले केस में अगर mg देखिए यहाँ पे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है ना r1, mg यहाँ पे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है r2, mg यहाँ पे लग रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है r3। तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्टाइल में तो mg तो वही है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 इंक्रीज होते जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट इंक्रीज सर, इंक्रीज फर्स्ट। क्लियर है सभी को? यस सर। सर डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी ना इसमें? आर क्रॉस एफ डाउनवर्ड ही इनवर्ड, मतलब कि इनटू द पेपर डाउनवर्ड का मतलब हो गया वर्टिकली वाई डायरेक्शन में आ गया आप। नोट कर लिया? टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू एम जी एट एनी टाइम टी, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तो हमने सिर्फ इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये देखा था, मेरे को वैल्यू चाहिए। सर ये ऐसे कर सकते हैं कि ये इन इंस्टेंट जो टाइम टी है वो हम मैक्सिमम हाइट मान लें? मैक्सिमम क्यों मानेंगे, ये तो किसी इंस्टेंट टी पे बताने रहे मेरे को। हाँ सर, तो उसी इंस्टेंट टी पे हम उसको मैक्सिमम हाइट मान ले तो? अरे ये तो आपने जनरलाइज कर दिया मैक्सिमम हाइट पे मान के, मतलब आपने तो एक जनरल केस ले लिया कि हाँ ये आपका मैक्सिमम हाइट पे है, स्पेशल केस ले लिया मतलब। 48 m कैसे? टी की वैल्यू तो मैंने दी नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे आ सकती है? जनरल फॉर्मूला में पुट करा था। नहीं 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 नहीं
मान लीजिए कि सेंसिटिव पार्टिकल यहाँ पे, ये एम जी होगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर, तो मेरे को ये आर निकालना सिंपल, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, 10 cos 53, दैट मीन्स 6 meter per second, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 6, इंटू टाइम कितना है t, तो आंसर क्या आ गया, टॉर्क अबाउट ओ विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है 6 mgt, खत्म। आगे संजय? यस सर। अब हम लोग आते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस। टॉर्क सर इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं? इससे कितने क्वेश्चन आते हैं रोटेशन से, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे इन जनरल 3-4 तो आते ही आते हैं, इन जनरल अगर हम लोग बात करें। क्यों इतना टिपिकल लग रहा है क्या? है टिपिकल तो है, समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिस कीजिए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, लेकिन जनरल चीजें अगर सभी पूरा सभी पार्ट्स को भी स्टार्टिंग में पढ़िए, जब लेक्चर खत्म हो जाए उसके बाद लगे कि हाँ मेरे को नहीं समझ में आया रोटेशन, तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दो चीजें पढ़िए, और लास्ट में जब प्योर रोलिंग की कंडीशन लिखाऊंगा वो, बस 3 चीजों को याद रखिएगा और सब चीजें भूल जाइएगा अगर चीजें नहीं कैच कर पा रही हैं तो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चल सकता, मेरे को इस वीक में चैप्टर खत्म करना है, मेरे को तो कल तक ही खत्म करना था, लेकिन कल तक अगर उतनी स्पीड रखता तो मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते, इससे थोड़ा सा मैं स्लो कर दिया अपनी स्पीड को, आप लोगों की शक्लों से ही पता चल रहा है क्या, हाँ क्या हालत है रोटेशन में, इससे मैं बोलता हूँ वीडियो ऑन करके रखिए, ताकि कई बार देख के पता चले कि हाँ दोबारा बताने की आवश्यकता है कि इसको स्किप कर सकता हूँ मैं, लेकिन आप लोग वीडियो ऑफ करके रखते हैं। अब देखिए टॉर्क अबाउट एक्सिस, सिंपल मान लीजिए मेरा वीडियो नजर आ रहा है हर एक को, ठीक है, ये एक दरवाजा है, ठीक है, ये डोर है, इस एक्सिस के अबाउट ये ओपन हो सकता है, इसको मैंने पकड़ा हुआ, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ये ओपन और क्लोज हो सकता है, ऐसे ही करते हैं ना तो दरवाजे को खोलने के लिए, ठीक है, एक एक्सिस फिक्स होती है, ये एक्सिस फिक्स होती है आपकी, इसी एक्सिस के अबाउट ये दरवाजा रोटेट करेगा, ठीक है, ये एक्सिस फिक्स है, ठीक। अब आप लोग क्या करें, दो केस देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आप लोग कर देते हैं क्वेश्चन, पता नहीं होता कि ये क्यों हो गया, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक्सिस फिक्स है आपकी, इस एक्सिस के अबाउट आपका ये दरवाजा ओपन या क्लोज हो सकता है। पहले वाले केस में ये एक्सिस है, इसके यहां पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, देखिए मैं परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ठीक। तो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, ठीक है, तो ये तो एफ है, आर का मतलब क्या हुआ, आर का मतलब ये देखिए मैं ऐसे लगा रहा हूं, अब समझ में आ रहा है फिगर, ये ऐसे लगा रहा हूं फोर्स, ठीक है, तो आर का मतलब क्या हुआ, ये तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया जहां पे फोर्स लगाया आपने, ठीक। तो टॉर्क अबाउट एक्सिस निकालना है, एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये, और इसका एरो इधर होना चाहिए, आर का मतलब यही होता है,
आर्क एरो कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है, ठीक, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो यही है, तो आर वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये आर वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब फोर्स मैंने ऐसे लगाया है और आर ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा, खुल जाएगा, करते हैं ना ऐसा काम, ठीक है, दरवाजे पे सामने से फोर्स लगाते हैं, दरवाजा ओपन हो जाता है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक। सेम केस लिया, यही दरवाजा है, ये लगाया फोर्स, ठीक है, आर क्या होगा, यहां से इस डायरेक्शन में एरो इधर होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तरफ एरो, ठीक। मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, ये आर वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। मेरे पास जो फॉर्मूला है टॉर्क का, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, यही है ना, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा, दोनों केस में, इस वाले केस में भी ये एफ था, ये आर वेक्टर था, दोनों के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री। सेकेंड वाले केस में भी ये एफ था, ये आर है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। तो मतलब कि दोनों केस में टॉर्क की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में जब मैंने फोर्स लगाया, दरवाजा ओपन हो गया, इस वाले केस में जब मैंने फोर्स लगाया, दरवाजे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इमेजिन कीजिए, ऐसे ओपन होगा क्या, मैं कितना भी फोर्स लगाता जाऊं, नहीं हो रहा ना। तो दोनों में डिफरेंस कहां पे आया था, यही हम लोग कंजर्वेशन, यही चीज अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में, ठीक है। चलिए इस वाले केस में आइए, इस वाले केस में जब आपने इधर की तरफ फोर्स लगाया था, ठीक है, आर इधर है, आर, ठीक है, अब फोर्स कहाँ है, अंदर की तरफ, ठीक, तो ये आर हो गया, अब फोर्स है अंदर की तरफ, तो आर क्रॉस एफ नीचे चला गया ना, ठीक है, ये एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो आर क्रॉस एफ निकाला वो नीचे चला गया, ये है टॉर्क का डायरेक्शन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और टॉर्क दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। सेकेंड केस में फोर्स आपने ऐसे लगाया, ठीक है, आर इधर है, तो आर, फोर्स नीचे की तरफ, तो आर क्रॉस एफ, आयसन में, इस केस में जो टॉर्क है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, आर और एफ नीचे, तो आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये था। तो पहले वाले केस में देखा कि जो टॉर्क था वो क्या था, पैरेलल था एक्सिस ऑफ रोटेशन के। सेकेंड वाले केस में आपने क्या देखा कि टॉर्क क्या था, परपेंडिकुलर था। आगे मेरे को किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाना है तो टॉर्क का एक कंपोनेंट मेरे को पैरेलल मिलना चाहिए, अदरवाइज तो घूमेगा ही नहीं। इसे मैंने दो एग्जांपल लिए, ठीक है, मैं कोई सा भी टॉर्क निकाल रहा हूं, तो अगर मेरे को किसी एक्सिस के अबाउट किसी बॉडी को रोटेट करवाना है तो टॉर्क का एक कंपोनेंट होना चाहिए किसके अबाउट, मतलब कि पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ही मेरे को रोटेट करवाता है, अगर एक्सिस को फिक्स कर दूं तो। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के वो उसको घुमाएगा ही नहीं। इसे तो दो एग्जांपल लिए थे, एक पैरेलल वाला लिया, एक परपेंडिकुलर वाला लिया। तो आपने देखा जो पैरेलल कंपोनेंट था वो इसको रोटेट करवा रहा था, लेकिन जो परपेंडिकुलर वाला था वो इस पे कोई फर्क नहीं डाल रहा था। नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर, लिख लीजिए।
अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए अब अगला हम लोग आते हैं इक्विलिब्रियम। देखिए अभी से पहले तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी पार्टिकल है वो आपका लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है। उस समय केस में हम लोगों ने वर्क पावर एनर्जी में भी इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था। तो मैंने कहा था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। अब हम लोग इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन कर सकती है, बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन भी कर सकती है, ठीक। मतलब कि वो घूम भी सकती है किसी भी पॉइंट के अबाउट। अगर वो किसी भी पॉइंट के अबाउट घूम रही है इसका मतलब मेरे को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, टॉर्क की। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क इज बोथ आर इक्वल टू जीरो तभी हमारी कोई भी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक। एक चीज याद रखिएगा, एक बार थ्योरी में पूछा गया था, अभी मैं प्रूव नहीं करवा रहा, वो आप खुद करके देख लीजिएगा। जो टॉर्क है अभी आपने निकाला था टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, ठीक है, वही तो कर रहे थे आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, ठीक। आगे मैं पॉइंट को चेंज कर दूं, कभी ए पॉइंट पे निकालूं, कभी बी पॉइंट पे निकालूं, कभी सी पॉइंट पे निकालूं, तो आर परपेंडिकुलर तो चेंज हो जाएगा ना। इमेजिन कीजिए पॉइंट को ही चेंज करो, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट तो टॉर्क की वैल्यू अलग अलग है क्योंकि आर परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे से यहाँ पे कहा है कि बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी इसका मतलब क्या टॉर्क भी जीरो होना चाहिए और आपको एफ नेट भी जीरो होना चाहिए। एफ नेट तो मेरे को आसानी से निकाल सकता हूँ कि जीरो हो सकता है कि नहीं, क्योंकि एनएलएम में यही तो एफबीडी बनाया था। अगर एफबीडी में वाई डायरेक्शन में और एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाए इसका मतलब मैं कहता हूँ कि फोर्स कितना आपका जीरो है, ठीक। लेकिन टॉर्क के लिए अभी आपने पढ़ा है कि टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, और किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को टॉर्क निकालना है तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। तो जरूरी तो नहीं कि एक ही पॉइंट होगा ए, मेरे को तो इक्विलिब्रियम करना है ना। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है मतलब कि हर एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की वैल्यू क्या नहीं चाहिए, जीरो, तभी मैं कहूंगा कि हाँ ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं, लिखिए लिखे, if we have to prove that body is in equilibrium, if we have to prove body is in equilibrium, then first we prove F net is zero. Then first we prove F net is zero, and after that tau net at any point is zero. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो देखेंगे हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है तो जितने भी पॉइंट्स हैं आपके हर एक पॉइंट पे टॉर्क की वैल्यू सेम रहेगी। नीचे लिखे नोट करके, इफ एफ नेट इज जीरो देन टाउ नेट एट एनी पॉइंट विल बी सेम। मैं इसको नहीं करवा रहा हूं, बेकार में 10-15 मिनट का टाइम निकलेगा।
ठीक है। अगर किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं हर एक पॉइंट पे टाउ की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए मैं किसी भी, अभी आपका दिमाग काम करना चाहिए कि मैं वो पॉइंट कौन सा डिसाइड करूं जहां पे कैलकुलेशन आसान हो जाए, ठीक है। तो इन जनरल कि अगर हमें मेरे को कहीं पे टॉर्क निकालना है किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो मैं वो पॉइंट लेता हूं जहां पे दो या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं। आप भी लिख लीजिए, फिर बाद में मेरे से पूछेंगे सर आपने यही पॉइंट क्यों ले लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अगर आपको टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो करना है तो आपको कोई पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा ना टॉर्क निकालने के लिए कि किस पॉइंट के अबाउट निकाले। तो इन जनरल मैं वही पॉइंट लेता हूं जहां पे दो या दो से अधिक फोर्सेस एक्ट कर रहे हों। क्लियर है? चलिए, अब आप सभी लोग, पेन तो है ही आप लोगों के पास, ठीक है। एक और थ्योरी बताने जा रहा हूं, पेन को टेबल पर रखिए, पेन को टेबल पर रखिए, ऐसे रोटेट कीजिए, ऐसे घुमाइए, आराम से घूमेगा पेन, है ना, आराम से रोटेट कर रहा है। तो अगर उसको ध्यान से आप देखें तो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है। आप अगर मैं देखूं, देखिए मैं पेन घुमा रहा हूं, अगर मैं पेन को घुमा रहा हूं तो ये बिल्कुल सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये पेन कहीं भाग नहीं रहा, ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। सेंटर के अबाउट क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि सेंटर के अबाउट क्या, सेंटर ऑफ मास है पेन का, ठीक। तो एक कंक्लूजन क्या है, अगर कोई भी बॉडी है यूनिवर्स में, कोई भी बॉडी है, अगर वो फ्रीली रोटेट कर सकता है, जैसे पेन है, मैंने कोई एक्सिस को फिक्स नहीं किया है, मैंने कोई एक्सिस डिफाइन नहीं की है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक्सिस को फिक्स कर दूं तो पेन को ऐसे ही रोटेट करना पड़ेगा, इसकी मजबूरी हो जाएगी, अगर मैंने इसको हिंज्ड कर दिया तो, ठीक। लेकिन अभी मैंने कोई भी हिंज्ड नहीं किया, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी है जो कि फ्रीली रोटेट कर सकती है, तो वो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रही है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो इन्फिनिटी एक्सिस हो सकते हैं ना। तो लॉजिकली सोचिए, एक पॉइंट से कितने लाइंस पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कोई एक ही होगा ना, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो कोई एक ही होगा ना, जैसे पेन है ये रोटेट हो रहा है, तो आपसे पूछा गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, तो आप कहेंगे ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये आपका रोटेट कर रहा है ना, इस पॉइंट के अबाउट आपका ये रोटेट कर रहा है, ठीक। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि ये सेंटर ऑफ मास, तो आपको पता चल गया कि सेंटर ऑफ मास पेन का बीच में है, इस पॉइंट के अबाउट ही आपका रोटेट करेगा, लेकिन इस पॉइंट से पास होने वाले कितने एक्सिस हैं, इन्फिनिटी। उसमें से आपने ये कैसे डिसाइड किया कि वो यही एक्सिस होगा, पेन में तो पता चल गया, लेकिन अब इसको मैं जनरलाइज करूं, थियोरी पूछी गई एग्जाम में। अगर कोई भी बॉडी है जो फ्री टू रोटेट है तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा। तो इसका मतलब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगी, और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले कितने एक्सिस हैं, इनफिनिटी। तो उनमें से कौन से एक्सिस में डिसाइड करूं, ये मेरे को कैसे पता चलेगा, द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द टॉर्क, द एक्सिस विच इज पैरेलल टू द टॉर्क। बस लिख लीजिए, अब इसको बैठ के सोचिएगा ये सेंटेंस का मतलब कैसे हुआ, इस पेन का एग्जाम्पल लेके देखिएगा और देखिएगा कि टॉर्क का डायरेक्शन क्या है और ये एक्सिस ही क्यों ली मैंने, ये सोचने का काम आपका है, ठीक है। और नहीं सोच पा रहे तो याद रख लीजिएगा, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूं कि टॉर्क कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हमें इक्विलिब्रियम पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिंज्ड, एंगुलर मोमेंटम और रोटेशन, दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। सर एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहीं पे किस जगह पे आया था तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ वहाँ पे किस चीज को डिफाइन। सर एक स्टेटमेंट है
एक स्टेटमेंट है, एलिमेंट्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर वेयर इज अदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर. ये ट्रू है? यस सर. हम लोग सर्कुलर मोशन में बात कर रहे थे, ठीक है. जब सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे, सर्कुलर मोशन मैंने कहा कि पार्टिकल है, ठीक है. ये पार्टिकल कर रहा था सर्कुलर मोशन, ठीक. तो अगर ये पार्टिकल कर रहा था सर्कुलर मोशन, तो मैं इसको एक एलिमेंट ही तो मानू. पॉइंट मास है, पॉइंट मास का मतलब छोटा सा एक एलिमेंट है, ठीक है. तो वहां पे हम लोगों ने एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था. वहां पे हमने वर्ड यूज किया था एक्सियल वेक्टर. जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करे वहां पे फिंगर्स को कर्ल कीजिए, तो ये आपको बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, ठीक है. लेकिन जब हम लोग इसमें कोई रिजिड बॉडी में आ जाते हैं, तो वहां पे जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि हाँ थीटा कितना है, तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए डिफाइन करता हूँ मैं. मैं ये कहता हूँ ना रिजिड बॉडी ऐसे मान लीजिए रोटेट कर गई, तो मैं क्या कहता हूँ कि रिजिड बॉडी में छोटा सा एलिमेंट है वो इतना एंगल मूव कर गया, ठीक है. तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं ऑलरेडी, जो हम लोग अभी करते आए हैं अभी तक, तो हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं? पॉइंट मास. पॉइंट मास का मतलब क्या है? डिफरेंशियल एलिमेंट. तो सर जो पॉइंट मास के लिए करते हैं वो वेक्टर होता है? हाँ, क्योंकि हमेशा जितने भी क्वेश्चन है हमारे एक जगह हम लोग पॉइंट मास ही कंसीडर करके बताते हैं कितना एंगल मूव किया है. अच्छा. सर फिर ये वो तो ठीक है, समझ आ गया कि वो वाला वेक्टर है, बट ये बोल रहे ना कि वेयर इज अदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर, तो ये क्यों बोल रहा है, स्केलर क्यों है? अब तो ये इसके लिए स्टेटमेंट, फिर ये कहां से, ये रीडिंग कहां से ली है? पहला वाला तो बिल्कुल करेक्ट है सर. ये स्टेटमेंट कहां पे, कौन से बुक से? बुक तो बहुत सारे हैं सर, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी, मुझे याद नहीं है बुक का नेम, मैं आपको भेज दूंगी. हाँ, तो अगर आलतू फालतू ऑथर के होंगे तो फाड़ के फेंक दीजिएगा. नहीं सर, आलतू फालतू. पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है. ओके सर, ठीक है ना. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर वर्ड यूज करा, आप खुद ही देख लीजिए, अगर सेकंड में यूज करा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर अदर इज स्केलर, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करे तो स्केलर क्यों होगा? सर एक्चुअली ये ना बुक में नहीं था, ये मॉड्यूल में लिखा था. तो फिर तो 100% गलत है, छोड़ दीजिए. मॉड्यूल तो वैसे यहाँ वहाँ से छापते हैं, ठीक है. और मॉड्यूल में गलती होने की संभावना होती है. ओके सर, ठीक है. तो स्टैंडर्ड अगर थ्योरी पूछनी है तो एनसीईआरटी और एससी वर्मा, सिर्फ दो जगह से आप थ्योरी पढ़िए और वहीं से पूछिए, यहाँ वहाँ से मत पढ़िए, क्योंकि मॉड्यूल में भी गलतियाँ मिलेंगी. वहाँ मॉड्यूल में भी क्या है कि कहीं से कॉपी पेस्ट ही तो किया है. यस सर, हो सकता है कॉपी पेस्ट से जिसने भी टाइप किया हो उसने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, ठीक है. तो इसलिए थ्योरी आप लोग नीट वाले, आपको ही पता है, मेरे से ज्यादा पता है कि एनसीईआरटी को ऊपर नहीं जाता. थ्योरी वहीं पे फिक्स रहेगी आपकी. तो एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, और उसमें कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है उसको आप पूछिए आराम से, ठीक है. तो जहां तक आज पढ़ा दिया, प्लीज उसको अच्छे से रिपीट कीजिए, क्योंकि आगे प्योर रोलिंग रोटेशन वगैरह सब स्टार्ट होगा, तो वहां पे फिर मत बोलेगा सर यहाँ पे टॉर्क कैसा है. भावना डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए कि कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, ठीक है. हम लोग आखिरी उस पे हैं स्टेज पे, टिपिकल पोर्शन के, ठीक है. रोटेशन खत्म हो जाएगा, थोड़ी सी चीजें आसान हो जाएंगी, और नेक्स्ट वीक में, अगर इसी वीक में खत्म होता है, मैं थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दूंगा, या तो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करूंगा. आप लोगों को पहले बताया कि ग्रेविटेशन कराऊंगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोगों को 11 का पेपर नहीं देना है कि नहीं सर मेरे को तो पहले ग्रेविटेशन ही करूंगा जबरदस्ती, ठीक है ना. कोई फायदा नहीं है जबरदस्ती करेंगे, मैं करवा दूंगा दो दिन में खत्म. लेकिन चीजें आसानी से समझ में आएगी जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लेंगे. वही चीज रिपीट करना है तो थोड़ा सा वेट करके पढ़ लेते हैं. यस सर, ठीक है सर. रोटेशन का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा? मिल जाएगा, भेज दूंगा, ठीक है. और इसके बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स मैक्सिमम 5 to 6 days, ठीक है. हीट में मैं लूंगा मैक्सिमम 3 lectures, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स 2 lectures, KTG 1 lecture, ठीक है. तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाना चाहिए, और उसके नेक्स्ट वीक में SHM एंड वेव, और SHM वेव के साथ ही मैं अगला चैप्टर पढ़ा दूंगा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है. तो ये टारगेट है दिसंबर तक का, कितना खत्म हो जाए हम लोगों का. और ये खत्म हो गया तो जैन या फेब मिड तक सिलेबस निपटा दूंगा मैं, ठीक है. आपको ही पता है इसके आगे फिर बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है.
ठीक है, तो चलिए इसके प्रैक्टिस के जो भी डाउट हो आज के लेक्चर से रिलेटेड कल जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए ओके बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम।